हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी ए ब्रिलियंट। आज के हम वीडियो में जानेंगे सेक्शन 144 सीआरपीसी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और कर्फ्यू के बारे में। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू हो गई है, कहीं कर्फ्यू हो गया है, कहीं लॉकडाउन हो गया है। जैसे कि अब 21 डेज का लॉकडाउन हो चुका है होल नेशन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में और इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ सेक्शन 144 क्या है सीआरपीसी के। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, इनके पास एक पावर होती है जिसके थ्रू ये एक ऑर्डर पास करते हैं। वो ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। कुल मिलाकर यही है सेक्शन 144 इम्पोज कर देते हैं, जिसमें अनलॉफुल असेंबली को माना गया है, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आर्म्स को, और पब्लिक इंटरेस्ट में होता है ये। ठीक है, इसको डीएम और एसडीएम ही क्या करते हैं, लागू करते हैं अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब हम बात करते हैं तीनों के डिफरेंसेस के बारे में, सेक्शन 144 सीआरपीसी के, लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में। सेक्शन 144 लॉकडाउन एंड लास्ट कर्फ्यू, इनमें तीन में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंशिएशन है। मैंने बताया था इसको इम्पोज कौन करता है, डीएम या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको इम्पोज करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। और इसको कौन करता है लॉकडाउन को, लॉकडाउन को करता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है लॉकडाउन के लिए, और इसको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। कर्फ्यू जो कर्फ्यू लगाता है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, वो भी डीएम ही लगाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इनकी ग्राउंड्स बताता हूँ, किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ये इम्पोज होता है। इनके ग्राउंड जो है तीनों के वो सेम ही माने जाते हैं। ग्राउंड देखते हैं हम, ग्राउंड क्या है, राइट्स हो डिस्ट्रिक्ट में, एफरे हो, राइट्स हो, एफरे हो, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, इंसान की जान को खतरा हो, ह्यूमन लाइफ, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मीन्स पब्लिक पीस को हार्म हो रहा है, तो भी ये इम्पोज होते हैं। ये तीनों में से कुछ भी हो इम्पोज हो सकता है सेक्शन 144 सीआरपीसी का। ये लॉकडाउन कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को या कर्फ्यू कर सकता है। कब कौन कौन कर सकता है सेक्शन 144 सीआरपीसी के लॉक करने का राइट किसके पास है, डीएम के पास, एसडीएम के पास, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, इनके पास भी राइट है। और लॉकडाउन और कर्फ्यू के लिए बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही परमिशन होती है, यही लॉकडाउन कर सकते हैं और यही कर्फ्यू कर सकते हैं। और इन दोनों के पास डीएम और एसडीएम दोनों के पास ग्राउंड्स क्या है, इनके पास राइट्स हो अगर, एफरे हो या ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो कुछ, और पब्लिक पीस को हार्म हो रहा हो, तो ये तीनों में से कुछ भी लागू हो सकता है। अब सेक्शन 144 सीआरपीसी में मैंने बताया था कि अनलॉफुल असेंबली को रेस्ट्रिक्ट करता है, कोई भी आर्म्स लेकर नहीं घूम सकता। ठीक है, और लॉकडाउन में क्या है, लॉकडाउन में होता है शटिंग डाउन, शटिंग डाउन, जैसे कि फ्लाइट्स, बसेस, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी व्हीकल्स हैं उनको शटिंग डाउन करते हैं, मीन्स ये ओवरऑल मूवमेंट पे रोक लगाता है, ये मूवमेंट पे रोक लगाता है। जैसे कि इंडिया में लॉकडाउन 21 के लिए हो चुका है, तो ये मूवमेंट को रोक डाउन रोक लगा रहा है मूवमेंट को, लॉकडाउन जो है। और कर्फ्यू में क्या है, कर्फ्यू है स्ट्रिक्ट मेजर, स्ट्रिक्ट मेजर टू कीप पीपल इनसाइड द होम, इनसाइड द
ये है सेटिंग डाउन मीन्स, जैसे कि 21 का लॉकडाउन हो जाए कंट्री में, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, कोई बाहर नहीं जा सकता है, और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है, फ्लाइट्स वगैरह रोक दी गई है, कोई कंट्री से बाहर आ जा नहीं सकता है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज़ है। इसमें भी कुछ वो दे रखे हैं कि कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन रिलीज कर दिया जाता है, कि जिसमें एसेंशियल्स कमोडिटीज जो होती हैं उनको परचेज कर सकते हैं डेली एसेंशियल लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही इन तीनों इसमें भी आता है और ऐसे ही इसमें होता है। बट कर्फ्यू में जो है वो पब्लिक की पुलिस की परमिशन लेनी कंपल्सरी है, पुलिस को वैलिड रीजन दोगे आप तभी आपको परमिट करेंगे आउटसाइड जाने के लिए। तो ये इनों में डिफरेंसेस हैं। इसमें आपने देखा होगा सेक्शन 144 सीआरपीसी में क्या होता है, ग्राउंड्स तीनों तीनों के लिए ये सेम है। राइट्स हो डिस्ट्रिक्ट में, या एफरे हो, या ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो, या पब्लिक पीस की बात आए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ही पावर होती है कि वो सेक्शन 144 इम्पोज कर सकती है, अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन कर सकती है एंड कर्फ्यू लगा सकती है। इसके पास बस एसडीएम के पास सेक्शन 144 का ही राइट है, जो 2 से 4 महीने के बीच हो सकता है, पर हालांकि देखा जाए कि डीएम के बिना नहीं होता है वो चीज़। और लॉकडाउन और कर्फ्यू में डीएम लगाते हैं सिर्फ, इसमें एसडीएम का कोई रोल नहीं है। ये ग्राउंड्स मैंने बता दिए। इसमें अनलॉफुल असेंबली को रोका जाता है, ठीक है, आर्म्स को भी रोका जाता है, कोई आर्म्स लेकर नहीं घूम सकता है। कोई अनलॉफुल असेंबली कब बनती है, जब चार से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली मार जाता है, उसको रोकती है ये चीज सेक्शन 144। लॉकडाउन में क्या है, शटिंग डाउन ऑल फ्लाइट्स बसेस और जितने मूवमेंट के साधन है लोगों के मूवमेंट को सब रोक दिया जाता है लॉकडाउन में। इसमें भी कुछ मैंने बताया था, तीनों में एसेंशियल कमोडिटीज जो है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए रिलीज दिया जाता है कि 1 घंटे के बीच या इस टाइम के बीच आप सामान खरीद सकते हो, ये कर सकते हो, ये सारी चीजें आती हैं। और कर्फ्यू में क्या है, कर्फ्यू में बोलते हैं सबसे छोटा जो चीज बोला जाता है वो सेक्शन 144 बोला जाता है, इससे बड़ा लॉकडाउन और लॉकडाउन से बड़ा माना जाता है कर्फ्यू को। कर्फ्यू में क्या है, इसमें स्ट्रिक्ट मेजर अपनाया जाता है, लोगों को घर से निकलना नहीं होता है। इसमें क्या है, लोग फ्लाइट बसेस में तो जा सकते हैं, वो इस चीज पे मूवमेंट पे रोके हैं, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा हार्ड माना गया है कर्फ्यू को, थोड़ा स्ट्रिक्ट माना गया है कि लोग इसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते, और निकलते हैं तो सिर्फ पुलिस की परमिशन के बिना नहीं निकल सकते, और वैलिड रीजन देंगे तभी निकल सकते हैं इसमें कर्फ्यू में। तो ये डिफरेंसेस हमने देखे। अब हम बात करते हैं इनके सेक्शंस के बारे में। कोई भी लोग जो इसको हार्म करे 144 को, लॉकडाउन को, कर्फ्यू को, तो उनमें पनिशमेंट क्या होगी, सपोज करो लॉकडाउन हो रखा है कंट्री में, अगर हम कोई इसको तोड़ते हैं, इस लॉ को तोड़ते हैं, हम घूमते हैं बाहर, तो हम पर क्या सेक्शंस अप्लाई होंगे, हमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो इन सब के बारे में जानते हैं। हम लिख सकते हैं सेक्शंस एंड पनिशमेंट। सेक्शंस हम बोल सकते हैं सेक्शंस, इंडियन पिनल कोड में ही आपको पता है पनिशमेंट दी जाती है, इंडियन पिनल कोड, इसके अंतर्गत सेक्शन 188, सेक्शन 269, 270, 271, ये चार सेक्शंस आते हैं जो कोई इनको वायलेट करता है। किसको वायलेट करता है, इस लॉ को वायलेट करता है, सेक्शन 144 को वायलेट करता है, और कर्फ्यू और लॉकडाउन को वॉलेट करता है। तो ये चार सेक्शन जो है अप्लाई होते हैं उस इंडिविजुअल को ऊपर। सेक्शन 188, 269 में है 6 मंथ्स की पनिशमेंट, पनिशमेंट एंड फाइन 269 में। 270 और 271 इसमें है 2 साल तक की पनिशमेंट और फाइन। सेक्शन 188 और 269, 269 जैसे कि किसी को पता है उसकी हेल्थ खराब है और वो तब भी मूवमेंट कर रहा है, तो उस पर 269 इम्पोज हो जाती है, उस पर 269 के अंतर्गत 6 मंथ की पनिशमेंट और फाइन हो जाता है। 269 से ही बड़ा माना जाता है 270 और 271। इसमें क्या है, वो जानबूझ कर रहा है, नेग्लिजेंटली कर रहा है, उसको पता है कि जो उसको डिजीज रोकी है वो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, औरों को भी खतरा हो सकता है, उसको जानबूझ कर रहा है वो चीज, घूम रहा है, तो उस पर 2 साल और 2 साल की पनिशमेंट और फाइन हो जाता है। सेक्शन 188 में है कोई अनलॉफुल असेंबली करता है, अनलॉफुल असेंबली मैंने बताया कि 4 और 4 से
चार से ज्यादा, मतलब पांच, पांच में काउंट होता है अनलॉफुल असेंबली में, पांच और पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं जब 144 लग जाता है तो वो अनलॉफुल असेंबली में आ जाता है, और अनलॉफुल असेंबली का पनिशमेंट सेक्शन 188 में दे रखी है, जो 6 महीने और पनिशमेंट है और पांच और फाइन है, फाइन बढ़ जाता है वैसे, 6 महीने तक की पनिशमेंट है इसमें दे रखी है। तो हमने आज की वीडियो में जाना सेक्शन 188, सेक्शन 269, 270 एंड 271। हमने आज की वीडियो में देखा कर्फ्यू के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और सेक्शन 144 सीआरपीसी के बारे में। काफी लोग सोचते हैं सेक्शन 144 जो है वो आईपीसी की है, बट वो है सीआरपीसी की। सीआरपीसी में ये पावर होती है किसकी, एक ये पावर है, ऑर्डर दिया जाता है एसडीएम या डीएम के पास ही राइट है, वो एक पब्लिक पीस के लिए है या फिर हम बोलते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये ऑर्डर पास करता है 144, उनके पास सीआरपीसी में ये पावर दी गई है एसडीएम और डीएम के पास। लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन में सिर्फ डीएम के पास पावर दी गई है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ये लागू कर सकते हैं, क्या कर्फ्यू और लॉकडाउन और 144 भी। इन तीनों के ग्राउंड सिमिलर हैं, राइट्स हो, अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में राइट्स हो, दंगे हो रहे हो, एफरे हो, मारपीट हो रही हो, या फिर पब्लिक पीस को हार्म हो रहा हो, या हम बोल सकते हैं ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो, या फिर जैसा अब चल रहा है ये भी ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो इन सब चीज़ों के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, सब स्टेट वाइज अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर क्या करते हैं स्टेट में, होल में अप्लीकेबल कर देते हैं कर्फ्यू, लॉकडाउन और 144, कर्फ्यू और लॉकडाउन ये कर देते हैं। किसके पास, डीएम के पास है इन दोनों की पावर, डीएम डीएम, और यहाँ डीएम एसडीएम के पास पावर है सीआरपीसी की है, ये सेक्शन जो है सीआरपीसी के 144 में पावर दिया जाता है डीएम एसडीएम को कि वो एक ऑर्डर पास करते हैं जिसमें क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में वो स्टेट में ये सेक्शन 144 इम्पोज कर देते हैं। और कर्फ्यू लॉकडाउन के पास डीएम और दोनों डीएम के पास ही होते हैं, कर्फ्यू में और लॉकडाउन में डीएम के पास पावर होती है। हाँ कि देखा जाए अगर डीएम नहीं करता है तो सीएम भी कर सकता है, सीएम पूरे होल स्टेट का होता है चीफ मिनिस्टर, वो भी इम्पोज कर सकता है डीएम कर्फ्यू और लॉकडाउन के लिए। सीएम नहीं तो पीएम जो है वो भी होल कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि कल पीएम मोदी जी ने कर दिया है होल कंट्री को लॉकडाउन कर दिया है 21 डेज के लिए। तो देखा जाए ओवरऑल ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गिरी जाता है ये सारी चीज़ें जो है, कर्फ्यू लॉकडाउन और 144 जो है सीआरपीसी की, ये इम्पोज जो करी जाती है सिर्फ इनका एक कारण होता है इम्पोज करने का, क्या पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ये सारा काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो, उनकी सेफ्टी के पर्पस के लिए ही करा जाता है। दैट्स इट फॉर नाउ, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।